आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस का, जिसका सीजन है 22 से 25, जो पार्ट वन के स्टूडेंट है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जी हाँ, 99% चांसेस होती है एग्जाम में आने के लिए, 1% नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि हम एग्जामिनर नहीं है, तो ये उनके ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन हाँ, 99% चांसेस होती है कि जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसमें से जो भी बताऊंगी वो आपके एग्जाम में आ जाएगा। आप इतना जानिए कि आपका सब्सिडी पेपर जो होता है ना, टोटल 100 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्टिव होते हैं ना, उसमें से कोई 5 क्वेश्चन बनाना कंपल्सरी होता है। जी हाँ, मैं 8 बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्होंने आर्ट्स लिया है। तो इसमें क्या होता है, 4-5 कंपल्सरी होता है, जिसमें कि 1 तो बहुत ज्यादा ही कंपल्सरी होता है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, यह आपका जनरली मतलब इम्पोर्टेंट होता है, प्लस में बनाना ही बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव आप पहले कवर करेंगे, उसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका आएगा 20-20 मार्क्स का। आज मैं बता रही हूँ आपको पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल में आपको 4 क्वेश्चन जो आप बाद में सब्जेक्टिव के रूप में बनाएंगे वो 20-20 मार्क्स से बिलोंग करता है। चाहे कितना भी आ जाए, टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 पूछते हैं, कभी कभी 9 भी पूछ देता है, तो फर्स्ट आपका कंपल्सरी है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स कवर करता है, 10 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 1 क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलता है, तो 10 क्वेश्चन के आपके 20 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो आप 4 सब्जेक्टिव बनाएंगे ना, वो भी 20-20 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन बनाते हैं तो 20 मार्क्स मिलते हैं आपको, तो उसमें से हो गया आपका 80, तो 80 + 20 = 100 मार्क्स। ये आपका एग्जाम कहता है, ये आपका जो होता है प्रॉपर वे होता है बनाने का, और यही तरीका भी है और यही होता भी है। तो चलिए देखते हैं कि आप कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करके जाएंगे आपके एग्जाम में। इम्पोर्टेंट जो है वो है नागरिकता क्या है, इसके सिद्धांतों की विवेचना करें। मैंने टोटल क्वेश्चन पे मार्क किया 20-20 मार्क्स। अब आप ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि टोटल क्या, टोटल को कैलकुलेट करने के बाद तो इतना ज्यादा मार्क्स हो रहे थे, ऐसा नहीं है। मैंने ये बताया है कि जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है इससे रिलेटेड, कोई भी आ जाए, वो सारे के सारे 20 मार्क्स के ही आते हैं। तो आपको जो भी आपको आता है या फिर जो भी आपको सही लगता है, आप वो क्वेश्चन बना सकते हैं, वो भी 20 मार्क्स ही कवर करता है। तो नागरिकता क्या है, इसके सिद्धांतों की विवेचना करें, ये भी 20 मार्क्स का आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के जाएंगे। फिर मैंने बताया गांधी के सत्याग्रह के विचार का विश्लेषण करें, विश्लेषण करने की जगह आ सकता है विचार करें, उल्लेखन करें, तो बात सेम ही है, डोंट बी कंफ्यूज। तो अब मैं 4 नंबर की बात करती हूँ, शक्ति एवं सत्ता की विवेचना करें, मतलब शक्ति एवं सत्ता की विवेचना करने के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। राजनीतिक में शक्ति एवं सत्ता का क्या विवेचना है, क्या उल्लेख है, क्या वर्णन है, इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा। फिर है आपका इम्पोर्टेंट लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों की विवेचना करें, लोक कल्याणकारी राज्य जो है इसका कार्य का विवेचना करना है कि इसके कार्य क्या क्या है, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में। फिर मैंने दिया है ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, ऑस्टिन ने जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत दिया है उसकी विवेचना करें, उसका वर्णन करें। फिर आपका राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत, मतलब राज्य का जो उत्पत्ति के लिए सामाजिक समझौता किया गया था वो क्या क्या है, इनफैक्ट उसके क्या लाभदायक हुए, क्या हानि हुआ, मतलब जो भी आपको समझ में आ रही है उससे रिलेटेड बात आप वहां वो लिख सकते हैं। फिर मैंने लास्ट बताया समानता क्या है, समानता के विभिन्न प्रकार को लिखिए, मतलब समानता क्या है, समानता होता क्या है, क्वालिटी क्या होता है, और इसके कितने प्रकार होते हैं इसको डिफाइन करना होगा, या फिर हो सकता है कि समानता के टोटली जितने भी चीज होते हैं, प्रकार हो गया इसका, टाइप्स मीन्स कहाँ क्या कैसे हाउ, ये सारे का आंसर देने के लिए मिल सकता है। तो टोटल मैंने 8 क्वेश्चन बताया जिसमें कि 1 आपका ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, तो टोटल बचे सब्जेक्टिव में 7 क्वेश्चन, इन 7 को अगर आप कवर करके जाते हैं तो 4 क्वेश्चन तो निश्चित है जो कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, जो कि आपको 80 मार्क्स दे सकता है, सॉरी 18 बोलूंगी तो 18 हो जाएगा, और अगर 80 बोलते हो तो 80 हो जाता है, तो 80 मार्क्स डिपेंड करता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, एंड ये टोटल हो गया आपके क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा चांसेस है आने के एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम। ये टोटल क्वेश्चन का मार्क्स सेम है 20-20 मार्क्स, आपको जो समझ में आए आप वहां पे लिख सकते हैं, जो भी आपको बहुत अच्छी तैयारी हो आप उसको वहां पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट 10 ही क्वेश्चन आएगा, इसको आप तैयारी करेंगे आपके गेस्ट पेपर से, और मैं बता दूं आपका जो गेस्ट पेपर है ना ऑब्जेक्टिव का, उसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रॉन्ग दिए गए हैं, अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं ना तो इससे पता चलता है कि यहाँ आंसर क है, यहाँ आंसर ख है, ऐसा कैसे, तो उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए, वो आपको राइट आंसर बता देगा। तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें डाउट होगा, जिसमें आप खुद पे खुद ही सर्च कर लेंगे, तो वो सारे को आप कवर करके जाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, जिसमें डाउट होता है ना वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव आपको एक गेस्ट पेपर से तैयारी कर लीजिए और बाकी जितने भी आप इसको नजर मार लीजिए और इतना ही तैयारी करके जाइएगा, इतने में से कोई भी चार आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स ऑल्सो गुड फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।